डिनर के संदर्भ पर सब भाई की जस्टिस बाबी जब कस्टडी अदा करते हैं और आज असल में शाह साहब का ही लेक्चर होता है, क्योंकि पिछली दफ़ा शाह साहब से नहीं आ सके, तो मैं चूँकि आपसे शेयर कर चुका था कि ट्रायल जो है उसको कल मुनीर की तरफ लेके जा रहे थे कि एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज के जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस समाप्त हो जाती है, मुकम्मल तौर पर आपकी एविडेंस ले लेते हैं, उसके बाद 340 वन और 340 दो के बाद मेन इसमें जो है वो 340 टू है, 342 है कि मुलजम पे जितनी एविडेंस आई है वो उस पर पुट की जाती है और उस एविडेंस का उससे आंसर है। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट ये है कि एक तो अदालत किसी वक्त एट इंक्वायरी ट्रायल स्टेज किसी वक्त भी किसी मुलजम से कोई क्वेश्चन पूछ सकती है और ये 342 में है, और दूसरा कानून शहादत में भी अदालत को ये किया है 161 कानून शहादत में कि ड्यूरिंग इंक्वायरी ट्रायल किसी वक्त भी फाजिल अदालत कोई भी क्वेश्चन किसी भी मुलजम से किसी वक्त भी पूछ सकती है, किसी भी गवाह से भी पूछ सकती है, कुछ किसी से भी पूछ सकती है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट जो है मैंडेटरी है, मैंडेटरी ये है कि जब एविडेंस कंक्लूड हो जाएगी और कंक्लूजन ऑफ एविडेंस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन साइड तो मुलजम को पूरी की पूरी एविडेंस एक क्वेश्चन आंसर उससे पूछी जाएगी। उसकी जो फॉर्मेट है आप रोज उससे कन्फ्रंट होते हैं कि मसलन पहला सवाल भी यही होता है कि आया जो आपकी प्रेजेंस में एविडेंस हुई है आपने वो सुन और समझ लिए, तो वो क्वेश्चन यही आता है कि हाँ मैंने सुन और समझ लिया, यस आई हैव हर्ड द एविडेंस रिकॉर्डेड इन माई प्रेजेंस। बाकी अगर केस है तो उसका प्रैक्टिकल जो प्रोसीजर है वो यही होता है कि आपने फलां तारीख फलां वक्त ये एड्रेस किया, आपको फलां फलां गवाह आने देखा, जितनी भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है जिससे इम्प्लीकेट किया जाता है मुजरिम, जिससे अदालत ये समझती है कि इसके बाद इस एविडेंस की बुनियाद पर मुजरिम को कन्विक्ट किया जाता है, ये जो भी रिलायंस है उसको वो एविडेंस उस पर प्रूफ की जानी मैंडेट की है, दैट इज रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। पहला हिस्सा जो है वो अदालत की डिस्क्रिप्शन है कि एट इंक्वायरी ट्रायल इन्वेस्टिगेशन किसी स्टेज पर कोई क्वेश्चन भी पूछ सकती है। दूसरा जो है वो मैंडेटरी। अब इसमें दो क्वेश्चन और ज़रूरी है जो आपसे शेयर करते जाएंगे कि इन सारी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस पूछने के बाद एक क्वेश्चन ये है कि आप अपने दिफा में कोई शहादत पेश करें, तो ये भी मैंडेटरी है। दूसरा 1985 में 342 में अमेंडमेंट आई, पहले नहीं थी, 1985 में आई, कि उसको ये भी हक दे दिया गया है कि आपके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं इन द डिस्प्रूव ऑफ दो चार्जेस, आया आप 342 में अपने आप को एग्जामिन करवाना चाहते हैं, और अगर वो कहे कि इन द डिस्प्रूव मैं अपने आप को एग्जामिन करवाना चाहता हूँ, वो पार्ट है एनी पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट आर अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस कोड इन एनी सच कोर्ट शैल इफ इट डज नॉट प्लीड गिल्टी गिव एविडेंस ऑन बोथ इन दिस प्रूव ऑफ चार्जेस आर एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम। तो ये 85 में अमेंडमेंट है कि अब ये भी उसका राइट है। अब दो तरह की आपकी स्टेटमेंट आपके सामने आ गई कि आपका समय का प्रोसिक्यूशन एविडेंस एक 342 में होगी, एक 342 में। अब 342 में जो है ये मुजरिम की ऑप्शन है कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली किसी मुजरिम को अपने खिलाफ एविडेंस के लिए एविडेंस देने के लिए कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ बहुत सारी अदालतों का ये व्यू है कि अगर फर्क कर दें, अगर किसी मुजरिम ने कोई पलिया पहली बाई ली है कि मैं, वो कहता है कि मैं एक्सेप्शन के अलावा लिए कि मैं इस दौरान जिस दौरान यह कह सुबह मैं मुल्क से बाहर था, तो वो अपने उन चार्जेज जो उसके खिलाफ लगे थे उनके डिस्प्रूव में कि मैं इस वक्त यहाँ पे नहीं था, खुद भी ऑन ओथ अपने आप को एग्जामिन करवा सकता है और वो जितने डॉक्यूमेंट है वो पेश कर सकता है। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि ये 340 सब सेक्शन 2 में फुकला नहीं करवाते, 342 में स्टेटमेंट कम्प्लीट हो जाती है। अब अगर 342 में जो एविडेंस है उसका तरीकाकार क्या होगा कि उसमें 364 CRPC बड़ा अहम है कि 164 में भी 364 CRPC है, 342 में भी वही प्रोसीजर होगा कि 364 का प्रोसीजर क्या है कि वो इन क्वेश्चन आंसर ये सारी स्टेटमेंट होगी एग्जामिनेशन आपका हाउ रिकॉर्डेड।
कि ये नरेशन जैसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये एविडेंस है, उसका फिर आंसर आएगा। अब इसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसको भी कोई आंसर दे या दे। अगर वो कोई आंसर नहीं देता तो उसके खिलाफ इन्फ्रेंस को ड्रा किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि उसको कंपेल किया जाए कि हाँ सुनो। तीसरी बात ये कि एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज जो है 342 ये ऑन ओथ है, 340 सब सेक्शन 2 जो होगा वो ऑन ओथ होगा। थर्ड ये है कि अगर इसको कोई गलत जवाब दे दिया जाए तो ये प्रतिनिधि या फॉल्स एविडेंस के जिम्मे में भी नहीं आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी। फोर्थ ये है कि कोई भी डिफेंस इसमें लेता है तो फिर उस डिफेंस को आप करने के लिए ये उसके पास इख्तियार होगा कि अदालत को रिक्वेस्ट करे, अप्लीकेशन दे कि मैं डिफेंस में ये एविडेंस पेश करना चाहता हूँ, तो फिर वो 540 के तहत एविडेंस की अदालत तलब कर लेगी और वो गवाह भी आपके डिफेंस में देखने चाहेगा, उसी तरह देगा जैसे प्रोसिक्यूशन देती है, और फिर उनके क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा, उनका प्रोसीजर वही होगा, एग्जामिनेशन चीफ री एग्जामिन भी हो सकता है, क्रॉस एग्जामिन भी हो सकता है, फिर 540 के तहत उनको तलब करेंगे। पहले इन चीफ में 132-133 था, अब यहाँ 540 के तहत उनको करेंगे, लेकिन फिर प्रोसीजर वही होगा कि पहले उनका एग्जामिनेशन चीफ होगा, एग्जामिनेशन अचीव के बाद उनका क्रॉस एग्जामिन होगा, और ये एडवर्स पार्टी को इख्तियार है कि वो उन पर करें। जैसे आप ये रोज़ाना कुछ CW आते हैं उन पर भी क्रॉस एग्जामिन होता है, कुछ PW ये DW होगा जो डिफेंस में आएगा, इस पर भी क्रॉस एग्जामिन का उसी तरह हक है। अब इसके बाद जो ये डिफेंस ये अपनी एविडेंस क्लोज कर लेता है, 342 का स्टेटमेंट दे लेता है और 342 के तहत अपने आप को मुजरिम एग्जामिन करवा लेता है, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? उसका अगला प्रोसीजर ये है, वो समिंग ऑफ द आर्गूमेंट होता है कि अगर डिफेंस में किसी ने एविडेंस दी है तो फिर वो पहले आर्गूमेंट है, अगर डिफेंस में किसी ने एविडेंस नहीं दी तो फिर प्रोसिक्यूशन पहले केस ओपन करेगा और वो समाप्त करेगा। तो इस तरह ये सेशन ट्रायल में जो तरीकाकार है वो 245G के तहत पहले डिफेंस वाले आपकी आर्गू करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन। मजिस्ट्रेट के ट्रायल में ये नहीं है, लेकिन नॉर्मली प्रोसीजर वहाँ भी ये इडाप्ट होता है, वहाँ ऐसा नहीं है कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, ये ऐसा दिया नहीं है, और इसके बाद जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस हो जाती है। अब एक चीज़ कुछ भाई ने पूछी थी कि मर्डर केसेस में जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाती है तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है, कि फादर अदालत जजमेंट दे देती है, किसी को डेथ सेंटेंस दे देती है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, लेकिन डेथ के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो सेंटेंस है वो कन्फर्म होगी अदालत हाले से, हाई कोर्ट से 376 से, और वो उसके बाद वहाँ से अगर कंफर्म हो जाती है तो फिर ये उसको डेथ वारंट कहते हैं, जो यहाँ से जारी करती है अगर अपील है सुप्रीम कोर्ट तक पारित होने के बाद, अगर अपील नहीं है तो अदरवाइज भी डेथ कंफर्म हो गई है तो फिर 14 दिन और 21 दिन ये इन्होंने होल्ड की है CRPC में, और उनमें ये शेड्यूल है जिसके मुताबिक वो वारंट जारी करते हैं, और वारंट का प्रोसीजर क्या होगा कि जेल में पहले नहीं थे, ये 376 की कन्फर्मेशन के बाद दो तरीके आ गए, एक तो हाई कोर्ट रूल का आर्डर है वॉल्यूम 1 Part 3, उसके मुताबिक जो है सेशन जज उस वक्त तक डेथ कन्फर्म नहीं करेगा जब तक हाई कोर्ट नहीं कहता, फिर 376 में भी है, और फिर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होगी 14 से 21 डेज के दरमियान। अब उसका प्रोसीजर क्या है, ये 97 में उसमें भी एक अमेंडमेंट आ गए 381 CRPC कि जब डेथ सेंटेंस की एग्जीक्यूशन होगी तो वहाँ लीगल एयर, और लीगल एयर को ये राइट होगा कि अगर वो चाहे तो लास्ट मोमेंट पे भी वहाँ पर कम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उन ऑफेंसेस में जेल में कम्प्रोमाइज़ का इख्तियार है, और इसीलिए अकॉर्डिंग टू ये प्रिजन रूल 358 और ये 381 CRPC लीगल एयर, और मजिस्ट्रेट जो है वो आके एग्जीक्यूशन करने के बाद उस मुतल अदालत को ले लेगा वारंट वापस कि जिस तरह का आ गया था उसी तरह इसलिए एग्जीक्यूशन कम्प्लीट। तो आज के लिए यही काफ़ी है।